गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रेशनल नंबर के लास्ट पार्ट दैट इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इश्यू पर डिस्कस करेंगे। तो हमने जनरली हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है इन केस ऑफ आपका नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब का कैसे नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपसे पता है हम लोग, ठीक है। जो जीरो से लेकर हम नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, जीरो को मिड पॉइंट कंसिडर किया जाता है, टुवर्ड्स राइट इट इज़ द पॉजिटिव साइड एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इट इज़ द नेगेटिव साइड। तो हम ऐसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो पहले उसके लिए हमें दो एग्जांपल्स लेना पड़ेगा, एग्जांपल वन एंड इट इज़ एग्जांपल टू, एग्जांपल वन एग्जांपल टू, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल वन में देखिए, सपोज हम ले रहे हैं 3/4 के लिए, ड्रॉ नंबर लाइन फॉर 3/4 एंड द सेकेंड कंडीशन इज इट इज 11/5, ठीक है। द फर्स्ट वन इज 3/4 एंड द सेकंड वन इज 11/5। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में ये दोनों हमने देखा बोथ आर द रेशनल नंबर। जैसे हम पॉजिटिव नंबर के लिए लेंगे एज यूजुअल, बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव नंबर के लिए भी हम ले सकते हैं, समझ में आया। तो इसमें देखिए 3/4 एंड 4/5 ये कौन सी टाइप का रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स मीन्स दैट आर द फ्रैक्शनल नंबर्स। रेशनल नंबर आर अदरवाइज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल नंबर्स। रेशनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रेशनल नंबर्स जो है एज ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होता है अपॉन फॉर्म में। ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, दिस आर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो 3/4 इज ए फ्रैक्शनल नंबर एज वेल 11/5 ऑल्सो ए फ्रैक्शन नंबर। ये दोनों ही आपका फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जब हम फ्रैक्शंस में पढ़े थे, हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़े थे यूनिट फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या था, यूनिट फ्रैक्शन था द न्यूमरेटर हैविंग 1, जिसका न्यूमरेटर 1 होते जा यूनिट फ्रैक्शंस। और एक था आपका लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या था, हैविंग द सेम डिनोमिनेटर 3/5, 4/5 दिस आर द लाइक फ्रैक्शंस, क्यों, डिनोमिनेटर इक्वल है। द नेक्स्ट इज द अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर दैट इज 3/7 एंड 9/8, डिनोमिनेटर क्या है 7 and 8, डिफरेंट है एंड इट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। और क्या फ्रैक्शन था, एक था जो बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनदर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन आप देख लेते हैं, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि ये 3/4 इस कंडीशन में क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर मीन्स सही, दैट मीन्स देखिए ना 3/4 चार में से तीन कोई मायने है, कोई मतलब है, हैंस दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर व्हेन स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका डिसाइड में 11/5 यहाँ पर न्यूमरेटर 5 से बड़ा है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि आउट ऑफ 5 हम 11 कंसिडर नहीं कर सकते, 5 से हम 11 कंसिडर नहीं कर सकते, हैंस इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन था दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या था, द फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर, ऐसा फ्रैक्शन इसमें होल नंबर भी है और उसके साथ फ्रैक्शनल नंबर भी है। फॉर एग्जाम्पल 5/3/4 दिस इज ए मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये था आपका बेसिक आइडियाज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कुछ तरह से फ्रैक्शन, इसका जो बेसिक आइडिया था दिस आर द फ्रैक्शंस। क्या क्या मैंने बताया, फर्स्ट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो भी एग्जांपल्स है 3/4 है, इस कंडीशन में न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये आपका 11/5 है, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पहले किया जाएगा ये देखेंगे। तो 3/4 मीन्स क्या है, 4 में से 3 कैसे कंडक्ट किया जाएगा, 3/4 तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर है हेंस इट विल बी रिप्रेजेंट राइट साइड ऑफ जीरो, जीरो की राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा, तो मिड पॉइंट को हम जीरो लेते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर हेंस इट विल बी रिप्रेजेंट इन दिस डायरेक्शन, इस साइड ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, 3/4 इसका वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं, कैसे होता है, 0.75 मीन्स 1 से कम है ना,
0.75 मीन्स लेस देन 1, 1 से कम है, मतलब इसका जो वैल्यू है जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है दीज आर लेस देन 1, वो 1 से कम है, ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 1, सारा प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम, आप जितना भी ट्राई कर लो जितना भी कर लो, ठीक है, सपोज 5000 अपॉन 1000 कम है प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, मतलब इसका जो वैल्यू है हमेशा कोई भी कंडीशन में 1 से कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पता चल गया 1 से कम है, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है 0, यहाँ पे हम लेंगे 1 क्योंकि इसका पोजिशन जो है 1 से कम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया 0 से 1 तक। देन नेक्स्ट स्टेप इज डेनोमिनेटर कितना है 4 है, तो हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 0 और 1 को, इन्हीं दोनों के बीच में इसका पोजिशन है क्योंकि 3 अपॉन 4 इज लेस देन 1, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करके मीन्स यहाँ पे 3 लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। देन न्यूमरेटर कितना है 3, 3 मीन्स आपको यहाँ से 0 से 3 पोजिशन टूवर्ड्स राइट जाना पड़ेगा क्योंकि इसका पोजिशन दिस इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर 3, तो यहाँ से 0 से 1 2 एंड 3, इट इज 3 अपॉन 4, समझ में आया, ठीक है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इन केस अगर हमारे पास ये नेगेटिव रेशनल नंबर होता -2/5, इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन बट इट इज नेगेटिव फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेफ्ट वाइज रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है मैंने कहा कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो इसका वैल्यू जो होता है लेस देन 1, वे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड में करेंगे, तो 0 नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लेंगे -1 क्योंकि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो इसका वैल्यू 1 से कम होता है, समझ में आए। देन डेनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 पार्ट मीन्स 4 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 हो गया, कितना लेना है -2, तो यहाँ से लेंगे 1 एंड 2, ठीक है, दैट इज -2/5, समझ में आया। तो जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन निकाले रिप्रेजेंट करेंगे उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ में आया, क्लियर। देखो देन सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 11/5, मैंने ये लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इट इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है इसीलिए दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट विल चेंज इन टू मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले इसमें हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंजेस किया जाता है, बाय डिवाइड, ठीक है, 5 2 10 रिमाइंडर 1 होगा, 5 क्वेश्चन हो गया 2 1, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, देन हमें इसको क्या करना है नंबर लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने अभी मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था, बिग फ्रैक्शन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर, यहाँ पे होल नंबर 2 है, फ्रैक्शनल नंबर 1/4 है, मीन्स क्या है 2 पूरा होल 2 तक जाएगा कवर होके, तो 0 1 2 0 1 मीन्स हमने इतना कवर कर लिया, बाकी कितना रह गया 1/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने कहा था 1/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, इसका वैल्यू 1 से कम है, मीन्स क्या है ये जो पॉइंट है 2 से ज़्यादा और एक पॉइंट मीन्स 3 इन्हीं दोनों के बीच में, समझ में आया, क्योंकि 2 तो पूरा ही हमने पूरा कर लिया, बाकी जो 1/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन इसका वैल्यू 1 से कम होगा, मीन्स 2 का जो नेक्स्ट होल नंबर 3 इन दोनों के बीच में इसका पोजिशन होगा, ठीक है। तो अभी डेनोमिनेटर कितना है 5 है, तो हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है किसको 2 और 3 को, क्योंकि होल नंबर 2 को पूरा कवर करना है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, मीन्स हमें 4 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने। देन न्यूमरेटर कितना है 1 1, कहाँ से लेना है 0 से नहीं, 2 होल है तो 2 से लेना है, दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 होल 1/5, समझ में आया। तो जब भी आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल, समझ में आया। दैट मीन्स मैं इसमें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी दो रेशनल नंबर
के बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर का। पहले अल्टरनेटिव मेथड बता देती हूँ, देन द इजी मेथड, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड वो बताऊँगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड टू रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। ये अल्टरनेटिव मेथड है, पहले अल्टरनेटिव मेथड कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा अल्टरनेटिव मेथड में ना करें, जो नेक्स्ट मेथड पसंद हुई उसमें करें। ये नहीं कि गलत होगा, ये बिल्कुल कम्प्लीटली राइट है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर भी कैसे हम 1/2 एंड 1/4 के बीच में रेशनल नंबर, कौन सा दो रेशनल नंबर, फाइंड आउट एनी टू रेशनल नंबर्स। और ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर्स कभी भी लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड हो सकता है, डिफरेंस ही आ सकता है उसमें, ठीक है। तो देख लीजिए इसका ऑल्टरनेट मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड तो लिखा है, लेट द टू रेशनल नंबर्स, लेट द टू रेशनल नंबर्स बी आर वन एंड आर टू, ठीक है। लेट द टू रेशनल नंबर्स बी आर वन एंड आर टू, देन आर वन फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू फर्स्ट रेशनल नंबर दैट इज 1/2 प्लस लास्ट रेशनल नंबर दैट इज 1/4। इज द ओल्डेस्ट मेथड, पहले ऐसे ही किया जाता है नंबर लाइन में। ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर, जो भी आपके लोग बीच में जिसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हाफ इंटू 2/4 एल सी एम 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1, ठीक है। तो हाफ 3/4 3/8 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर, हमने पहला रेशनल नंबर कैलकुलेट कर लिया। तो हमें दो रेशनल नंबर चाहिए था, सेम वे में सेकेंड रेशनल नंबर को हम आर टू लेंगे। फॉर्मूला भी है हाफ, समझ में आया, हाफ इंटू ये पहला सबका फिक्स रहेगा, पहला रेशनल नंबर क्या है जो 1/2 था, प्लस नेक्स्ट का जो पहला हमारा रेशनल नंबर का आंसर है दैट इज 3/2, ठीक है। तो हाफ 2/8 एलसीएम 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 1, देन हो गया हाफ इंटू 4 प्लस 3 7/8 दैट इज 7/16। तो हमने यहाँ पे दो रेशनल नंबर कैलकुलेट किया, फर्स्ट इज 3/8 एंड द सेकेंड इज 7/16। ये ऑल्टरनेट मेथड है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है। हमने फॉर्मूला किया हाफ इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, जो भी जिसके अंदर से भी कैलकुलेट करना है। तो पहला रेशनल नंबर जब भी कैलकुलेशन हो जाए तब सेकेंड करना है, हाफ इंटू फर्स्ट तो हमेशा कंस्टेंट रहेगा प्लस जो निकला। अगर थर्ड निकालना होता तो क्या होता ना, हाफ इंटू वही हाफ फिक्स रहेगा क्योंकि पहला रेशनल नंबर था ये बिटवीन इसका प्लस यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो। तो ये प्रोसेस आगे चलेगा अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट्स। अगर आगे और फर्दर 3, 4, 5 जैसे भी रेशनल नंबर कैलकुलेशन करना है उसी के प्रोसेस में जाएगा, ये ऑल्टरनेट मेथड है, ठीक है। हमारी ईजी मेथड क्या है, सेम एग्जाम्पल्स को हम ईजी मेथड लेके कर सकते हैं। फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/4। देखिए इजी मेथड क्या है, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब लाइक फ्रैक्शंस हो, है ना। आलू के साथ हम प्याज को कंपेयर नहीं कर सकते, सेम मेटेरियल होगा तभी कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे वी हैव टू चेंज इंटू सेम डिनोमिनेटर, हम कुछ भी डिनोमिनेटर लेके कर सकते हैं लेकिन बराबर होना चाहिए, ठीक है। सपोज 1/2 एंड 1/4 है हमारे पास, हम दोनों को सेम डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 20 में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना है जैसे सेम हो जाए, 2 के टेबल में भी होगा 4 के टेबल में भी होगा। दैट 10/20 इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/20, ठीक है ना। हमारे पास हो गया 10/20 5/20। अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शन से मैंने यहाँ पे 20 लिया है, अगर यहाँ पर आप कितना 40 लेके भी करते, अगर 40 लेते तो क्या होता, 1/2 40 लिया जाएगा, मीन्स क्या है इसमें 20 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 20/40 सेम को भी 40 करना है, 1/4 को 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10/40 20/40 10/40। इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, जैसे 11/40 12/20 40 13/40 14/40 15/40 ऐसे अब तो आपका बहुत ज़्यादा है। इसमें हमने 20 तक किया है, 5/20 10/20 इनके बीच में हमें कोई भी दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 5/20 10/20 दोनों लाइक फ्रैक्शन से, तो कुछ क्या होगा, टू रेशनल नंबर्स आर क्या हो सकता है, 5 और 10 के बीच में आप कुछ भी कर ले लो, जैसे कि 7/20 एंड 9/20, ठीक है। मैंने बड़ा
आप जो भी कैसे कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे 20 लिया, सेम कंडीशन में मैंने इसमें 40 भी लिया, सेम कंडीशन में इसको 100 लेके भी कर सकते हो, जिसकी वजह से जो रेशनल नंबर से मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, रेशनल नंबर आर डेफिनाइट, ये डेफिनाइट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, अलग अलग कंडीशन में ये चेंजेबल होगा। तो आपके पास अल्टरनेटिव मेथड है उसके साथ ये मेथड भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and -2, ये ठीक है। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1.5 में क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, फाइंड 12 रेशनल नंबर्स, 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and -2 के बीच में 12 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। पहले देख लीजिए, -1 and -2 दीज आर रेशनल नंबर्स, यस दीज आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि रेशनल नंबर्स को हम पी एफ एम क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/1, एंड टू कैन बी रिटेन क्या कर सकते हैं, 2/1। तो हमने अभी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 1/1 कर दिया, जस्ट हमें पी ओपन क्यू फॉर्म में चाहिए, हमें 12 रेशनल नंबर चाहिए, समझ में आया। देन वी हैव टू चेंज इन टू, वी हैव टू चेंज इन टू सेम डेनोमिनेटर, हमें सेम डेनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, वाट एवर यू लाइक, तुम्हें जो भी पसंद है जितना भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें 12 रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 30, हमें दोनों डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, 30 करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम -1/1 को 30 करेंगे, -1/1 को 30, मीन्स 30 मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो इसमें 30 मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका -30/30। नेक्स्ट 2/1 में जब 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 60/30, अब दोनों देखो लाइक फ्रैक्शंस हो गया, 30-30 है, तो अभी हमें नंबर चूज करना है बिटवीन 60 and -30, -30 और 60 के बीच में कोई सा भी नंबर लेना है, -30 नंबर लाइन में आपका इस साइड होगा, -30 और 60 इधर होगा, तो इनके बीच में कोई सा भी नंबर है, -29, -28, ऐसे करके आपको 60 तक कोई सा भी नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे 12 रेशनल नंबर्स है, -29/30, -28/30, मीन्स मेन बेसिक जो चीज़ है, हमें रेशनल नंबर्स -30 और 60 के बीच में लेना है, -30 जब नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेगा, मीन्स यहाँ पे 60 है, इधर 30 है, 90 रेशनल नंबर्स इसके अंदर मिलेगा, तो इसके अंदर से आप कोई से भी कंसिडर कर सकते हो, -29/30, -28/30, फिर 1/30, 2/30, कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम सीरियल वाइज उसको पुट अप करें, बस कंडीशन सही होना चाहिए, रेशनल नंबर्स मस्ट बी -30 and -60, बिकॉज दिस आर द लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये रेशनल नंबर का कंप्लीट जो यूनिट है ये कंप्लीट है, इसको जो रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर जो था इसको हम चाहे इस मेथड में या आपका जो अल्टरनेटिव मेथड, दोनों से भी कोई सा भी मेथड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका रेशनल नंबर्स का जो यूनिट है वो पूरा कंप्लीट है, तो इसका कॉपी में काम कर लेना, और जो भी डाउट्स है उसको सेंड कर लेना।